वेलकम टू ज्ञान विनोद के। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको पेट की कोई समस्या है, चाहे पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज हो रहा है, गैस बन रहा है, ऐसे में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि उन उपायों को कर आप फिट और हेल्दी रह सके। ज्ञान विनोद के का यह वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आजकल की खराब लाइफस्टाइल और अनियमित रूप से खान पान की आदतों की वजह से व्यक्ति को अपच, पेट में दर्द समेत कई प्रकार की अन्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करके आपको पेट की समस्याओं से राहत मिलेगी। आइए हम जानते हैं। नंबर 1, अगर आपको पेट की समस्या है तो दही और चावल खा सकते हैं। ये आसानी से पच जाता है। इसमें मौजूद फाइबर लूज मोशन को भी रोकने में मदद करता है, इसलिए आपको चावल को थोड़ा सा अधिक पका लेना है और उसको दही के साथ मिलाकर खा लेना है। इसमें आप थोड़ा सा नमक और जीरा भूनकर भी डाल सकते हैं। ये स्वादिष्ट नहीं होता है लेकिन आपके पेट के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 2, अदरक वाली चाय। अगर आपको पेट दर्द, अपच की परेशानी है तो आप अदरक वाली चाय पीजिए। अदरक वाली चाय पीने से आपको राहत मिलती है, इसलिए आपके 1 कप पानी में आपको थोड़ा सा अदरक डालकर उबाल लेना है। स्वाद के अनुसार नमक, शहद डाल लीजिए। चाय को छानकर पी लीजिए। नंबर 3, केला। केले में प्राकृतिक एंटासिड होते हैं जो कि लूज मोशन को रोकने में मदद करते हैं। केले में पोटेशियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए केले का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। नंबर 4, कोम्बुचा। अगर आपको पेट में एसिडिटी या फिर पेट दर्द की शिकायत रहती है तो आपको कोम्बुचा का सेवन करना चाहिए, इसको पीना चाहिए। ये पेट दर्द के साथ साथ सूजन को भी कम करता है। ध्यान रहे, आप एक बार में कोम्बुचा से बड़ा गिलास ना पिए और बेहतर परिणाम के लिए धीरे धीरे से पीजिए। कोम्बुचा में प्रोबायोटिक होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद मिलती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद मिलती है। नंबर 5, ओट्स। ओट्स काफी स्वादिष्ट होता है लेकिन हल्का भोजन है जिससे पेट खाली हो जाता है। आप नमकीन या फिर मीठे ओट्स बना सकते हैं। आप नमकीन ओट्स में किसी तरह का कोई मसाला ना डालिए, बाकी पेट की परेशानी और बढ़ सकती है। मीठे ओट्स का दूध में पकाया जाता है, आप इसे पानी में भी पका सकते हैं। 1 कटोरी ओट्स में मेवे और फल डालने से बचे, इसकी जगह पर केले का इस्तेमाल करें। ओट्स फाइबर से भरपूर होता है जो कि पेट को लंबे समय तक आपको भरे रखता है। इस वीडियो के अंदर हमने 5 ऐसे तरीके जाने हैं जिससे पेट की समस्या होने पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी और फिट रह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्ञान विनोद को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।